तो फ्रेंड अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन चलता है यार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार के कोई भी टैक्स को यहाँ पे अगर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ या फिर वायरल टैक्स को मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं सेट करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप एक कैसे पता लगा सकते हो कि कौन से टैक्स यहाँ पे अभी वायरल कंडीशन में चल रहा है, यानी कह सकते हो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कौन से टैक्स आपको यहाँ पे आपकी वीडियो को रन नहीं करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत व्यस्त होने वाली, बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे छोटी गुजारिश है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके वायरल टैग्स होते क्या हैं। पहले तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड कि वायरल टैग का मतलब क्या है। देखिए वायरल टैग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि अभी रिसेंटली में कोई चीज चल रही है, जैसे मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी आई हुई है, कोई नया फोन आया हुआ है, कोई नया फीचर आया हुआ है, तो फ्रेंड आप उसका एक पर्टिकुलर टैग बना सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर आप खुद से टैग बना सकते हो फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि भाई ऑलरेडी जो टैग वहां पर आप सर्च करोगे अपने गूगल पर, उसके बाद जो नीचे आपको सबसे देखते हो वायरल टैग्स है, ये आप गलत करते हो फ्रेंड। अगर आप ऐसा करोगे तो फ्रेंड आपको पता है कि अभी इंडिया में लगभग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अधिक से अधिक यूट्यूबर्स जो हैं यही ट्रिक अपना रहे हैं कि गूगल पर सर्च करते हैं और नीचे जितने भी टैक्स आते हैं वो उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो फ्रेंड आप ऐसा कर रहे हो कोई दिक्कत ना, इससे आप वीडियो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि मैं सोच रहा हूं। वायरल होना और वीडियो पर व्यू आना जमीन आसमान का फर्क है फ्रेंड। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं वायरल के बारे में। तो वायरल देखिए कब होती है वीडियो, जब मान लीजिए जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में नई आई हुई है या कोई नई यहां पर कह सकते हो कोई मोबाइल फीचर आया हुआ है और उस फीचर का आपने एक टैग बना दिया है। अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आप जो पिक्सलैब है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं फ्रेंड, पिक्सलैब है तो अभी आप उसमें देखने के लिए कोई भी फोटो को आप उसमें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी उस पर्टिकुलर यहाँ पे एप्लीकेशन में। अगर आप उसका एक टैग बना लो, यानी कह सकते हो वहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि नॉट इंपोर्ट फोटो इन पिक्सलैब, या फिर आप इस तरीके से सेट कर सकते हो वहाँ पे कि पिक्सलैब फोटो नॉट इम्पोर्ट। इस तरीके से अगर आप अपना खुद का एक टैग बनाना चाहो फ्रेंड तो आप बना सकते हो प्रॉपर वे में, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ ही बना सकते हो और एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ ही बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं पिक्सलैब इम्पोर्ट। प्रॉब्लम भी लिख सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं कि इम्पोर्ट प्रॉब्लम भी लिख सकते हो पिक्सलैब करके। फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर टैग बना सकते हो और पर्टिकुलर टैग बनाने के बाद बहुत आसान तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो अपनी वीडियो में। और अगर आपकी वीडियो उसके रिगार्डिंग है, यानी कह सकते हो उस पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनी हुई है, मार्केट में नया टॉपिक चल रहा है, मार्केट में नया टैग चल रहा है, तो आपकी वीडियो 110% अच्छे खासे व्यूज यहाँ पे गेन कर लेगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार वायरल टैग्स आते कहाँ से, उनको कैसे हम मैनेज करते हैं यहाँ पे और कहाँ से आते हैं, कैसे उसको अपलोड करते हैं, ये वीडियो मैं आपको बता दिया हूं। अब देखिए फ्रेंड, अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार वायरल टैग्स को हम रखें कहां, अपने डिस्क्रिप्शन में रखें या फिर कह सकते हैं यहां पे अपने जो है टैग्स में रखें या फिर मतलब अपने टाइटल के साथ ही यहां पे सेट कर दें। तो फ्रेंड पहली बात तो आपको बता देता हूं, टाइटल के साथ आप टैग्स रख ही नहीं सकते हो। हां अपने डिस्क्रिप्शन में आप जरूर टैग्स रख सकते हो और कह सकते हैं यहां पे अपने टैग का जो आपको नीचे सेक्शन मिलता है उसमें भी आप टैग करके वहां पे कोई भी एक सेंटेंस सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड यहां पे देखिए, अब आपका टैग्स जो होना चाहिए वो बहुत इजीली होना चाहिए और बहुत आसानी से आपको एक ही टैग रखना है। ऐसा ना हो कि आपने टैग भर दिए अलग अलग तरीके से, एकदम आप बहुत सारे टैग वहां पे अपलोडेड कर दिए, तो फ्रेंड ऐसी गलती नहीं करना है। आपको सिंपल और सिंपल केवल एक टैग रखना है और वो भी ऐसा रखना है कि जो कि एकदम परफेक्ट हो, प्रॉब्लम को वहां पे शो कर रहा हो। तो इस तरीके से फ्रेंड आपकी जो वीडियो है उस पर ज्यादा अच्छे से अच्छे व्यूज आ जाएंगे और हो सकता है कि आप वीडियो 100% वायरल भी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।